नमस्कार, मैं शिवानी, जी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया उत्तराखंड। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में बयाना कोली समाज की ओर से भीतरवाड़ी स्थित अथाई पर हर साल की तरह 36 घंटे का 37वां जवाबी हरि कीर्तन दंगल शुरू हुआ है। नगर पालिका अध्यक्ष विनोद अग्रवाल बट्टा और पंचायत समिति प्रधान मुकेश कोली ने भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कर हरि कीर्तन दंगल का शुभारंभ किया। इस मौके पर अतिथि वक्ताओं ने कहा कि हरि कीर्तन दंगल के माध्यम से नई पीढ़ी को पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं के बारे में जानकारी मिलती है, वहीं लोगों का स्वास्थ्य मनोरंजन होता है। प्रमोद पार्षद प्रमोद कोली और दिनेश कोली ने बताया कि हरि कीर्तन दंगल में मदनलाल पंजाबी एंड पार्टी वेयर, जेपी शर्मा एंड पार्टी हाथरस, राजाराम पटोदा एंड पार्टी महावीर जी और सतीश दीवाना एंड पार्टी एटा की कीर्तन मंडलियां भाग ले रही हैं, जिसमें गायक कलाकार वाद्य यंत्रों के साथ तमाम ऐतिहासिक और पौराणिक प्रसंगों का अनोखे अंदाज में गायकी के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं। कीर्तन दंगल को देखने के लिए कस्बा सहित ग्रामीण अंचलों से बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट रही है। दंगल सुनने आने वाले लोगों के लिए आयोजन कमेटी की ओर से शिकंजी का भी वितरण किया जा रहा है। उसके साथ ही भगवान कृष्ण की आकर्षक झांकी सजाकर रंगीन झालरों से सजावट की गई है। इस अवसर पर आयोजन समिति से जुड़े आनंदीलाल नारायण, जमुना प्रसाद, डॉक्टर लखपत कोहली, सोहनलाल, विष्णु रिजोनिया आदि मौजूद रहे। अथाई पर 37 वर्षों से लगातार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर हरि कीर्तन आयोजन किया जाता है। लगातार इसको 37 वर्ष चलते चलते हो गए हैं। यह कोली समाज की तरफ से आयोजित किया जाता है, सभी समाज वर्गों का सहयोग भी रहता है। जय श्री कृष्ण।